हमारे मान लो 1,000 रुपए डरे हैं उसमें, जबकि पूरा मकान नष्ट हो गया हमारा। ग्राम अरुण के ग्रामीणों ने बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा और बसाहट के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को दिया ज्ञापन। विजयपुर तहसील के ग्राम पंचायत अरोध के ग्रामीणों ने 3 अगस्त 2021 कुआरी नदी में आई बाढ़ से पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और उनके बसाहट के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर विजयपुर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजयपुर नीरज शर्मा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के उनकी मांगे थी कि कुआरी नदी आई बाढ़ से करीबन 200 घर जलमग्न हो गए थे, उन परिवार को सही सर्वे कराकर मुआवजा राशि दिलाई जाए और बाढ़ फसल और जमीन बर्बाद हो गई है, उन्हें मोचा पटवारी से सर्वे नहीं कराया गया वहां भी कराया जाए। और इसके साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि डूबे क्षेत्र में आने वाले परिवारों को नई बसाहट के लिए जमीन दिलाई जाए। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि अगर हमारी सुनवाई 8 दिवस में नहीं होती है तो हम लोग चक्का जाम और अन्य प्रकार के आंदोलन करने के लिए बाध्य रहना पड़ेगा। अब देखना यह है कि ग्रामीणों को मुआवजा और बसाहट के लिए ज़मीन मिलती है या नहीं। विजयपुर से महेश कुशवाहा की खास रिपोर्ट। नाम जगन्नाथ राठौर है सर। आज यहाँ विजयपुर में आप आए हो, किस कारण से आए? क्या कारण से आए हैं साहब? हमारे नमा 1,000 रुपये डरे हैं उसमें, जबकि पूरा मकान नष्ट हो गया हमारा। अभी आपने अधिकारी को ज्ञापन दिया तो क्या बोला है? नहीं, उनसे ज्ञापन दिया ना कि हमने आपका काम पूरा कर दिया, जैसे होगा जैसे कर दिया हमने। घर नष्ट हो गए, वह कारण है। वहाँ में क्या है कि हमको आश्वासन दिया गया, बिन लोगों ने आश्वासन दे आज तक पैसा कौन ने डाला। नहीं, जब अभी आपको दिया है, आपने ज्ञापन दिया है तो अधिकारी ने क्या बोला है आपको? हम लोग कोई कि आपकी भरण पोषण पूरा करेंगे, माने सुविधा देंगे, आज तक कोई सुविधा ना मिली।